हे गाइस, मैं हूं विवेक गौड़, आपका कूल फिजिकल थेरेपिस्ट क्यूरेटिवो क्लिनिक से। और आज हम बात कर रहे हैं बैक पेन की, यानी कमर के दर्द की। कमर दर्द की बात करें तो आप में से लगभग हर किसी ने किसी टाइम पे कमर का दर्द एक्सपीरियंस कर रखा होगा। कमर का दर्द फिजिशियन के पास प्रेजेंट होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है। और ऑफिस से अनवांटेड छुट्टी लेना और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी का भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसका मतलब ये हुआ कि कमर का दर्द ना केवल बहुत बड़ी जनसंख्या को अफेक्ट करता है, बल्कि आपकी प्रोडक्टिव लाइफ को कम करता है और आपके अनवांटेड छुट्टियों और मेडिकल एक्सपेंसेस को बढ़ा भी देता है। दोस्तों, बैक पेन कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि चोट लगने के बाद, यानी कि ट्रॉमेटिक बैक पेन, गलत पॉस्चर के कारण, गलत लिफ्टिंग टेक्निक यानी गलत तरीके से वजन उठाने के कारण, डीजेनरेटिव डिजीजेस जैसे कि स्पॉन्डिलोसिस के कारण, स्लिप डिस्क के कारण, और कमर दर्द सिस्टमिक प्रॉब्लम्स जैसे कि स्पाइन के ट्यूबरकुलोसिस के कारण या स्पाइन के कैंसर होने के कारण भी हो सकता है। अपना बैक पेन डायग्नोस करने के लिए आप जल्द से जल्द अपने फिजियोथेरेपिस्ट या अपने फिजिशियन से जाके मिलें। बैक पेन के ट्रीटमेंट के लिए लोग एनाल्जेसिक स्प्रे, गर्म पानी से सिकाई करना और ऑन द काउंटर पेन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे कंप्लीट रिलीफ के लिए आपको कोर स्ट्रेंथनिंग और बैक मसल स्ट्रेंथनिंग करना भी जरूरी है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बताएंगे कोर स्ट्रेंथनिंग और बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में। मैं हूं विवेक गौर, क्यूरेटिवो क्लिनिक से। सी यू सून।